कांचीपुरम का हृदय स्थल। वस्तुतः संपूर्ण कांचीपुरम नगरी कामाक्षी मंदिर के चारों ओर बसी है। शिव एवं विष्णु जैसे देव देवता भी कामाक्षी मंदिर को घेरे हुए तथा वहां से उत्सर्जित होते प्रतीत होते हैं। कामाक्षी मंदिर को प्रेम से कामाक्षी अम्मा मंदिर भी कहा जाता है। कांची कामाक्षी मंदिर के एक ओर शिव कांची अर्थात बड़ा कांची स्थित है। यहाँ कुछ विष्णु मंदिरों के साथ अनेक शिव मंदिर स्थापित हैं। कांची कामाक्षी मंदिर के दूसरी ओर विष्णु कांची अर्थात छोटा कांची स्थित है, जहाँ कई विशाल विष्णु मंदिर तथा कुछ शिव मंदिर भी स्थित हैं। मान्यताओं के अनुसार यहाँ कामाक्षी मंदिर का अस्तित्व अनंत काल से है। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस मंदिर के श्रीचक्र की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की। पुरातत्व साहित्यों के अनुसार यह मंदिर लगभग 1700 वर्ष पुराना है, अर्थात जब इस क्षेत्र पर पल्लव सम्राटों का आधिपत्य था एवं कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। आप किसी भी तथ्य को आधार माने, अंततः कामाक्षी मंदिर ही कांची की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। कांची का कामाक्षी मंदिर भारत देश के 51 शक्तिपीठों में से एक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। क्रोध से तपते हुए शिव ने जब देवी सती की देह को उठाए तांडव किया था, तब सती की नाभि यहाँ गिरी थी। इस स्थान को धरती के पूर्वार्ध का नाभि स्थान भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी ने असुर भंडासुर का वध करने के लिए कन्या स्वरूप अवतार लिया था एवं वे इसी मंदिर में बैठी थीं। इस मंदिर की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह मूर्ति किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, अपितु वह स्वयं अवतरित हुई है। यह भी मान्यता है कि देवी इस मंदिर में तीन स्वरूपों में विराजती हैं, स्थूल, सूक्ष्म एवं शून्य। कथा के अनुसार देवी यहाँ अपने रौद्र रूप में वास करती हैं। उनके क्रोध की अग्नि ने गर्भगृह को अत्यंत उष्ण कर दिया था, तब आदि शंकराचार्य ने उनका क्रोध शांत किया था। उसके पश्चात देवी यहाँ करुणा रूप में बसती हैं। आदि शंकराचार्य ने इसी मंदिर में बैठकर सौंदर्य लहरी की रचना की थी। कहा जाता है कि अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के सम्राट एवं भगवान राम के पिता दशरथ ने यहीं पुत्र कामेच्छा यज्ञ किया था। इसके पश्चात शीघ्र ही उन्हें चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तभी से लोगों में यह मान्यता उत्पन्न हो गई है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने पर निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है। देवी कामाक्षी इक्ष्वाकु वंश की कुलदेवी हैं। इस कथा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में किया गया है। एक किंवदंती के अनुसार एक समय एक गूंगे भक्त को इसी मंदिर में स्वर का वरदान प्राप्त हुआ था। भाव विभोर होकर उस गूंगे ने 500 स्तोत्रों की रचना की, जिसे मूक पंचशती नाम से जाना जाता है। मैं मंदिर के चारों ओर घूमकर उसकी सुंदरता निहारने लगा। वहाँ का अद्भुत दृश्य, चारों ओर से आती भजन व स्रोतों की ध्वनि एवं मुख्यतः वर्षों से पूजे जाने वाले इस सजीव मंदिर की पवित्र ऊर्जा, इन सब ने मुझे भाव विभोर कर दिया था। मेरी तंत्रा तब टूटी जब किसी ने ऊपर की ओर संकेत कर मुझे वहाँ देखने के लिए कहा। ऊपर जो दृश्य मैंने देखा, मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। मुख्य गर्भगृह के ऊपर सोने का वह भव्य गोपुरम, चमचम चमकते इस गोपुरम का कुछ भाग आप स्थित मंदिर के कुंड के समीप से देख सकते हैं। तथापि इस गोपुरम का सर्वोत्तम दृश्य मंदिर के भीतर से प्राप्त होता है। कामाक्षी अम्मा की ममता की उष्मा ग्रहण करते मैंने कुछ और क्षण वहाँ बिताए। तत्पश्चात मंदिर से बाहर आकर वहाँ से मंदिर का अवलोकन करने लगा। चार दिशाओं में चार ऊँचे गोपुरम स्थापित हैं। मुख्य द्वार के सम्मुख एक ऊँचा ध्वज स्तंभ खड़ा है। वहीं मंदिर के पृष्ठभाग में पंचगंगा नामक एक कुंड है। यहाँ के सफ़ेद रंग के गोपुरम मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। ये मंदिर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। मंदिर के दर्शन करने में हम लोगों को लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाक्षी अम्मन के मंदिर के ये खूबसूरत से दर्शन करके अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में कुछ शिकायत करनी हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं।